फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ममास चैनल किरण डायरी एंड हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी विद अ न्यू ट्विस्ट। सो आज की हमारी न्यू रेसिपी है मेथी के पराठे। दैट इज रियली डिलीशियस एंड क्रंची। मेरी मम्मा जो मेथी के पराठे बनाती है हमें बहुत पसंद है और इसे सॉस मेयोनीज स्पेशली मेयोनीज के साथ मुझे बहुत पसंद है। सो आप सॉस मेयोनीज एंड धनिया चटनी पुदीना चटनी इनके साथ खा सकते हैं। सो अब देखते हैं हमें ये मेथी के पराठे कैसे बनाने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास में तो बेल बटन है वो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे ही हमारे नई नई अपडेट्स और हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और उसे सबसे पहले आप ज्वाइन कर पाएंगे। Let's start it। दोस्तों, मेथी के पराठे बनाने के लिए ये मैंने फ्रेश मेथी ली है जो मैं खेत से तोड़ के लेके आई हूँ। एक्चुअली में हमारे खेत में मेथी बोई हुई है को मैंने 3-4 पानी से धो दिया है अच्छी तरीके से, ताकि जो धूल मिट्टी है वो इससे निकल जाए। अब इस मेथी को हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देना है। कटिंग इसकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक इसको कटिंग कर लेना। इस तरीके से देखिए, ये मैंने सारी जो मेथी है वो चॉप कर ली है और मैंने ये 4 हरी मिर्ची ली है। अगर आपको 2 जनों के लिए पराठे बनाने हैं तो 2 हरी मिर्ची इनफ होती है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 जनों के लिए पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 हरी मिर्ची ली है। इस हरी मिर्ची को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है। ये देखिए, हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। इस तरीके से चॉप करना है, इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। 2 जनों के लिए पराठे बनाने हैं तो प्याज 2 काफी होते हैं, लेकिन यहाँ मैं ज्यादा पराठे बना रही हूँ तो प्याज थोड़े ज्यादा चाहिए, तो 5-6 प्याज मैं कटिंग कर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से बारीक बारीक इनको चॉप कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक इसमें चॉप करना है। इसी तरीके से सारे प्याज जो है हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए, सारे प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, एकदम बारीक बारीक काट लिया है इन्हें। तो चलिए आटा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़ा कटोरा आटा लिया है। आटा डाल देंगे इसमें, फिर इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे इसमें इस तरीके से मसल के। अब हम इसमें देंगे तेल की मोयन। इसमें डालना है हमें तेल। और इस आटे को अच्छे से कर देना है मिक्स। तेल की मोयन से पराठे बहुत ही मुलायम और खस्ता बनते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारा आटा जो है वो मसल के तैयार कर लेना है। मुट्ठी बन गई आटे की इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्ची, चॉप किए हुए प्याज और अपनी कटी हुई मेथी। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 उबले हुए आलू। इस तरीके से 2 मैश किए हुए आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को हमें कर देना है मिक्स।
इसमें पानी की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, आटा ऐसे ही बन जाता है क्योंकि मेथी में पानी होता है, तो अगर जरूरत पड़ने पर हम पानी इसमें ऐड करेंगे। ये मिक्सचर एकदम मिक्स हो चुका है, वो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसको गूंदना है। पानी एकदम से मत मिलाइएगा क्योंकि आटा गीला हो सकता है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए और गूंदते जाइए। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल और इसको अच्छी तरीके से मिसल लेंगे। तो ये अपना पराठे का आटा तैयार है, इसको सेट होने के लिए 10 मिनट रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम पराठे बनाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आटा सेट हो चुका है पराठे बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं पराठे। पहले इसमें हमें लेना है थोड़ा सूखा आटा, इसकी बनानी है छोटी छोटी लोइयें। इस तरीके से लोई बनानी है और इसको आटे में ऐसे पेलना है। इस तरीके से इसको बेलेंगे। इस पे डालना है थोड़ा सा तेल, इसको फैलाना है इस तरीके से और इसको पलट देना। अब इसको बेलना है इस तरीके से, इसको आटे में थोड़ा बेलिए ऐसे। ये देखिए ये अपना पराठा बनके तैयार है। पराठा अगर किसी को ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। इसी तरीके से लोई बनानी है, इसको बेलना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा तेल। ये प्रोसेस हमें तभी करना है जब हमें ज्यादा स्पाइसी पराठे चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये तेल फैला दीजिए इस पे, तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक इस तरीके से, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी डालिए मिर्ची, उसको अच्छे से फैलाइए और पलट दीजिए। ये पराठा जो है आपका बहुत ही स्पाइसी बनेगा, एकदम चटपटा। अब इस पराठे को बेल देंगे हम। ये देखिए स्पाइसी पराठा भी अपना तैयार है। अब हम इसे सेकने की तैयारी करते हैं। धीमी आंच पे इनको सेकना है। अब इसमें डालेंगे तेल, इसको
पराठा सीख के तैयार हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे पराठे बना के सेक लेने हैं। तो दोस्तों अपने मेथी के पराठे तैयार हैं। हम इसे इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और सॉस के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। तो इन पराठों को बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए, अपने अनमोल सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू रेसिपी एंड न्यू क्रिएटिविटी। सो तब तक के लिए बाय बाय।